हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल रेसिपी जो कि चटकारा बूटी कबाब बनाने की रेसिपी है। बहुत ही चटपटा और स्पाइसी ये कबाब बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे टिक्का बूटी भी कह सकते हैं, जिसे हम रेगुलर फ्राई पैन में बनाएंगे और रिजल्ट देख करके आप हैरान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है विदाउट ओवन और विदाउट तंदूर। आज मैं इसे बनाऊंगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मटन लेंगे, जो कि मैंने हाफ के जी लिया है और इसे 1.5 इंच के पीसेस में काट लिया। ये बोनलेस मटन के पीसेस हैं और एक प्रेशर कुकर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ में जाएगा नमक जो कि 1 टीस्पून है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। साथ में डालेंगे 1 प्याज चॉप किया हुआ और 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और 1/2 कप पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो मटन है वो भी अपना पानी छोड़ता है। और अब इसके लेड को लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 2 से 3 प्रेशर आने देंगे और फिर गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और उसी दरमियान एक बहुत ही चटकारा सा मैरिनेशन को तैयार कर लेंगे। 4 टेबल स्पून दही लेंगे, इसी के साथ लेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस और साथ में लेंगे 2-3 हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने दरदरा इसे पीस लिया था, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेज में काट के डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और अब कुछ ड्राई मसाले इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर। सारे मसाले को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, आप हाथों से इसे क्रश करके डालिएगा। 1 टीस्पून फूड कलर डालेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। और सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अगर आप स्पून से नहीं मिक्स कर पा रहे तो हाथों से आप अच्छे से इसे घोल लीजिएगा और एक बहुत ही चटकारेदार यहाँ पर हमारा जो मैरिनेशन है वो तैयार हो जाएगा। मिक्सचर गाढ़ा होना चाहिए और पानी वगैरह इसमें नहीं मिलाइएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल, बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस मैरिनेशन को स्टोर भी कर सकते हैं। और बकरीद के टाइम पर ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो कोई भी गेस्ट आए और मैरिनेशन फ्रिज से निकाले और बस सेक करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब मटन चेक कर लेते हैं। मैंने 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर कुक कर लिया था और प्रेशर को खुद से निकलने के बाद इसे आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा पानी है तो आप इसे ड्राई कर लीजिएगा हाई फ्लेम पर। और अब मटन के पीसेस को थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर इसी मैरिनेशन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे मसालों के साथ इसे ट्रांसफ़र कीजिएगा। अदरक लहसुन या फिर प्याज के जो मसाले उसमें रह जाते हैं एक्स्ट्रा, बस अब सारे इसमें डाल दीजिएगा और इसे कोट कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छे से मटन के जो ऊपर पीसेस के ऊपर कोट हो जाने चाहिए सारे मसाले, इतने गाढ़े होने चाहिए हमारे मसाले, बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं होना चाहिए मसालों में, नहीं तो फिर वो बाद में सही से सिकेंगे नहीं। अब एक स्क्यूअर ले लेंगे और एक एक पीस करके इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। तो एक स्क्यूअर में मैं 5 से 6 पीसेस को इंसर्ट करूँगी क्योंकि मैंने छोटे वाले स्टिक का यूज़ किया था। अगर आप बड़े वाले स्क्यूअर का यूज़ करें तो फिर आप एक साथ सारे सेक सकते हैं, लेकिन मुझे इसे पैन पे सेकना है तो मैंने छोटे छोटे स्क्यूअर का यूज़ किया था। तो मैंने 6 एक साथ में पिरोया है। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े मसाले अप्लाई कर देंगे, जो भी अंदर में मसाले हैं सारे मटन के पीसेस के ऊपर अप्लाई हो जाने चाहिए। फिर बाकी के भी स्क्यूअर में मैं ऐसे ही सारे मटन के पीसेस को इंसर्ट करते जाऊँगी और ऊपर से मसाले को अप्लाई कर दूँगी ताकि वो जब सिके तो बहुत ही अच्छा सा उसमें एक फ्लेवर आए। और यहाँ पर मेरे 4 स्टिक तैयार हैं कबाबों के। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली पैन में पीसेस को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे स्टिक में फ्राई किया था। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, बहुत थोड़ा सा आपको बटर या तेल अप्लाई करना है। मैंने बटर अप्लाई किया था, आप चाहें तो घी भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्टिक्स को अरेंज कर देंगे पैन के ऊपर। मेरा पैन काफ़ी बड़ा था तो मैंने सारे स्टिक्स एक बार में ही अरेंज कर दिए थे। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर कुक कर लीजिएगा, चारों तरफ आप इसे घुमाते रहिएगा। गैस के फ्लेम को हाई नहीं रखिएगा वरना एकदम से कुछ जगहों पे डार्क स्पॉट आ जाएंगे और कुछ जगह पे सिक नहीं पाएंगे। तो ऊपर से तेल थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देंगे या फिर आप घी या फिर बटर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सा बटर अप्लाई कर दिया था ताकि इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। और एक साथ बहुत ज़्यादा तेल मत डालिएगा वरना क्या होता है ना, बूटियों में जो मसाले होते हैं वो तेल में बहने लगते हैं और जो पीसेस होते हैं उस पर अच्छा सा एक कोट नहीं आता है मसालों का और एकदम वो बिखर जाता है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, तेल बहुत कम डालना है आपको। और 4 से 5 मिनट तक अलट पलट कर आप इसे कुक कर लीजिएगा, बस इतना ही टाइम लगेगा इसे पकाने में और इस पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और अच्छे से ये गल भी जाएंगे। और आप डायरेक्टली इसे गैस स्टोव पर सेक लेंगे या फिर आपके पास कोयला है तो उसका भी स्मोक आप डाल सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इसे डायरेक्टली गैस स्टोव पे सेक सकते हैं। तो बस आपको 30-40 सेकेंड इसे सेकना है अलट पलट कर, बहुत ज़्यादा देर आप मत सेकिएगा।
वरना ये जो स्टिक है वो लकड़ी के हैं, वो टूट जाते हैं ज़्यादा देर अगर ये आग पे रहेंगे तो। एक अच्छा सा कलर आ जाएगा कबाबों वाला और बहुत अच्छी सी एक सोंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और यहीं पे हमारा जो टिक्का बूटी कबाब है, चटकारा बूटी कबाब, वो तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार होता है, बिल्कुल आपको कबाबों वाला फ्लेवर देगा और बहुत ही आसानी से बनता है। और आने वाले बकरीद के लिए ये बहुत ही एक आइडियल रेसिपी है और आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा और ये सभी को बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और हर किसी की फेवरेट हो जाएगी। आप जैसे चाहें इसे सर्व कर सकते हैं, आप स्टिक्स के साथ भी अपने गेस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही आइडियल लगेगा। या फिर आप स्टिक्स से निकाल के भी सर्व कर सकते हैं। नींबू और प्याज ज़रूर से आप इसके साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कबाबों के साथ नींबू का। तो बस इस तरह से मैं इसे अरेंज कर लूँगी और बस इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन बकरीद में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये फेवरेट होने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल टेस्टी मिल हिंदी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि सारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।